कालरात्रि नव दुर्गा का सातवां स्वरूप है। ये तीन नेत्रधारी हैं। माँ कालरात्रि के गले में विद्युत की अद्भुत माला है। इनके हाथों में खड़ग और कांटा है और इनका वाहन गधा है, लेकिन ये भक्तों का हमेशा कल्याण करती है, इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहते हैं। इस बार माँ कालरात्रि की पूजा सोमवार 19 अप्रैल को की जा रही है। इस बार माँ कालरात्रि की पूजा सोमवार 19 अप्रैल यानी आज है। बता दें आपको, चलिए बता दें इनकी उपासना से क्या लाभ है। बता दें आपको, शत्रु और विरोधियों को नियंत्रित करने के लिए इनकी उपासना अत्यंत शुभ होती है। इनकी उपासना से भय, दुर्घटना तथा रोगों का नाश होता है। इनकी उपासना से नकारात्मक ऊर्जा का यानी तंत्र मंत्र का प्रभाव नहीं होता है। ज्योतिष में शनि नामक ग्रह को नियंत्रित करने के लिए इनकी पूजा करना अद्भुत परिणाम देता है। चलिए बताते हैं क्या है माँ कालरात्रि की पूजा विधि। बता दें आपको, माँ के समक्ष घी का दीपक जलाएं, माँ को लाल फूल अर्पित करें, साथ ही गुड़ का भोग लगाएं, माँ के मंत्रों का जाप करें या सप्तशती का पाठ करें। लगाए गए गुड़ का आधा भाग परिवार में बांटें, बाकी आधा गुड़ किसी ब्राह्मण को दान कर दें। काले रंग के वस्त्र धारण करके या किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से पूजा ना करें। चलिए बताते हैं शत्रु और विरोधियों को कैसे रखें शांत। दादे आपको, श्वेत या लाल वस्त्र धारण करके रात्रि में माँ कालरात्रि की पूजा करें, माँ के समक्ष दीपक जलाएं और उन्हें गुड़ का भोग लगाएं। इसके बाद 108 बार नवार्ण मंत्र पढ़ते जाएं और एक एक लौंग चढ़ाते जाएं। नवार्ण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। उन 108 लौंग को इकट्ठा करके अग्नि में डाल दें, आपके विरोधी और शत्रु शांत होंगे। बता दें आपको, हमें पूरी जानकारी वेबसाइट से, अन्य जगहों से प्राप्त हुई। जानकारी आपको कैसे लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। नेक्स्ट वन स्पिरिचुअल रिपोर्ट।